पॉल्स। ये खाने में जितने टेस्टी होते हैं उतना हेल्दी भी है, बाहर से क्रिस्पी होता है भीतर से सॉफ्ट। मैं हूँ निवेदिता, आज आप और मैं मिलकर बनाते हैं क्रिस्पी पोहा बॉल्स। इसके लिए मैंने पोहो को गुनगुने पानी में भिगो के रखा था और उसको निकाल के अच्छे से निचोड़ के अलग कर लिया है। देखिए इस तरह से होना चाहिए टेक्सचर। अब एक जगह में आप पोहो को डाल लीजिए और इसे अच्छे से आप मिलाइए। अच्छे से हमें गूंदना है इसको, देखिए इस तरह से गूंदा हुआ होना चाहिए। अब इसमें हम उबले हुए आलू को मसल के डालेंगे। आलू जो है बाइंडिंग का काम करेगा। आप इसमें कॉर्न फ्लावर या मैदा भी थोड़ा मिला सकते हैं जिससे कि हमारा बॉल जो है टूटेगा डीप फ्राई। अब इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, भुना जीरा पाउडर, हरी मिर्च कटी हुई, नमक स्वादानुसार, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और धनिया पत्ता कटे हुए। अब अभी इन सभी चीजों को हम अच्छे से आपस में गूंथ लेंगे और ऐसा एक डो बना लेंगे। अब अपनी हथेलियों को तेल लगा लीजिए और छोटे छोटे ऐसे बॉल बना लीजिए। दोस्तों याद रखिए बाइंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना आपका फ्राई करते वक्त बॉल फट जाएगा। इसीलिए देख लीजिए कि कहीं इसमें आपको कॉर्न स्टार्च या मैदे की जरूरत है। लीजिए तैयार है डीप फ्राई। तेल डालेंगे हम कढ़ाई में, मीडियम हीट में हमें इसे पकाना है। अब हम एक एक करके बॉल सारे डालते हैं। और बहुत ही आराम से हल्के हाथ से हमें इसे पलटना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है और साथ ही बहुत ही फ्लफी हो गया है, ये बहुत ही हल्का हो गया है, तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे, एक्सेस ऑयल सोक करने के लिए हम इसे निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर में। दोस्तों आपका क्रिस्पी पोहा बॉल रेडी है। आप इसे चटनी या सॉस के साथ परोस के खा सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। दोस्तों इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए।